बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं ज़ैलदार टेक्निकल और मैं हूं मोहम्मद फैसल मसूद। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बिज़नेस कार्ड के बारे में है, विजिटिंग कार्ड भी जिसे कहते हैं। उसको हम देखेंगे कि एक बिज़नेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड हम कैसे कोरल ड्रा के अंदर बना सकते हैं आसानी के साथ, उसका साइज़ क्या होता है और कैसे उसे बनाकर प्रिंट हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके लिए 24 से ज़्यादा जो बेहतरीन कार्ड्स हैं उनके टेम्पलेट्स आ रहे हैं, उसको आपने ज़रूर देखिएगा। उनको आप डाउनलोड को अपलोड हो जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक, और उनको आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। और उस वीडियो के अंदर उनको आपने कैसे इस्तेमाल करना है उन कार्ड्स को, ये भी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। और दो वीडियोस इंशाल्लाह अपलोड होंगे हमारे, एक में तकरीबन कोई 100 कार्ड के करीब आपको वर्टिकल कार्ड्स भी मिलेंगे और एक 24 कार्ड्स का होगा, तो वो इंशाल्लाह जल्द आपको मिल जाएंगे। अभी बात करते हैं आज के वीडियो की। तो बिज़नेस कार्ड जो विजिटिंग कार्ड है उसका साइज़ सबसे पहले हमने आपको मैंने बताया था पहले वीडियोस के अंदर भी, आपने साइज़ लगाना है चीज़ का। ये देखें, रेक्टेंगल टूल है यहाँ पर, रेक्टेंगल टूल, इसे मैंने रेक्टेंगल टूल से यहाँ पर एक डब्बा खींचा है। बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ होता है हमारे यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए पाकिस्तान में जो यूज़ होता है वो होता है 3.5 इंच बाई 2 इंच। ये 3.5 इंच यहाँ पर मैं 3.5 इंच ये लंबा, और ये जो इनकी ऊंचाई है हाइट इसकी ये 2 इंच होती है, यहाँ पर मैं 3.5 बाई 2 का साइज लगाऊंगा। देखिए यहाँ पर 3.5 3.5 3.5 और नीचे 2, और उसके बाद मैंने किया इंटर, तो ये बन गया बिजनेस कार्ड का साइज़। अब जूम टूल को यूज़ करूँगा, जूम टूल को यूज़ करके इसको बड़ा करूँगा, ये मेरा बिजनेस कार्ड का साइन बन गया है। उसके बाद आपको मैंने बताया था इसको आपने करना है फिल, इसको मैंने किया फिल, ये मैंने ब्लू कलर के साथ इसको फिल किया। फिर मैंने आपको फाउंटेन फिलिंग भी बताई हुई है, सबसे पहले ये फिल टूल के अंदर फाउंटेन फिल के अंदर मैंने आपको बताया था रेडियल, और रेडियल के बाद मैंने आपको बताया था कि आपने इसके साथ ये वाइट कलर देखें प्रीव्यू के अंदर, यहाँ पर मिक्स हो रहा है, यहाँ पर आप कोई और दूसरा कलर यूज़ कर सकते हैं और इसको कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं इसके रेडियस को। ये ओके किया, इस तरह से कुछ ये बन गया, ये कलर इसका हो गया ओके। अब इसके ऊपर हमने लिखना है, तो पावर क्लिप का यूज़ भी आपको मैं बता चुका हूँ कि वो आपने कैसे करना है, और पिक्चर फ्रेम के अंदर कैसे इंसर्ट करनी है वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, लाइन का भी मैं आपको इस्तेमाल बता चुका हूँ। सबसे पहले हम इसके ऊपर लाइन का इस्तेमाल मैंने आपको बताया था, जो 2 पॉइंट लाइन है उसको कैसे करना है वो करेंगे, और आसान वे बताता हूँ। ये आसान चीज़ें होती हैं जो प्रोफेशनली बंदे जो हैं वो प्रोफेशनल समझ नहीं आती है, आप ये जुगाड़ आपको करके बताने लगा हूँ जुगाड़ कैसे करते हैं कोरल के अंदर। देखिए मैं एक डब्बा मैंने खींचा, आपसे मैं आपको समझ नहीं आ रही आप डब्बा खींचा है, ये मैं आपको जुगाड़ बताने वाला हूँ। ये देखें इसको मैंने ऐसे किया, और ये देखें ये मैंने यहाँ पर ऐसे रख दिया, और मैंने आपको स्मार्ट फिल टूल का भी बताया हुआ है, इसको आपने बड़ा कर लिया थोड़ा सा, बिल्कुल जुगाड़ आपको बताने वाला हूँ आज। जब आप काम करते हैं तो आप करेंगे तो आपको कई और तरीके नए नज़र आ जाएंगे। देखिए इसको मैंने शिफ्ट पे डाउन से इधर किया, और इफेक्ट की मदद से मैंने पावर क्लिप से ये इसके फ्रेम के अंदर ले गया, ये देखिए कितना ज़बरदस्त डिज़ाइन बन गया। और ये इसकी लाइन जो है इसकी, इसको मैंने ख़त्म करना है, ये मैं पावर क्लिप के अंदर आपको बता चुका हूँ पहले भी कैसे जाना है, एडिट पावर क्लिप यहाँ पर ये खुल गया, इसको मैं यहाँ से आउटलाइन या नो आउटलाइन, और फिर यहाँ से इसको बंद कर देना है, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर आपने इसको डबल लगाना है तो एडिट पावर क्लिप, इसको लेफ़्ट से पकड़ा कंट्रोल दबाकर थोड़ा पीछे खींचा और राइट क्लिक के साथ छोड़ दिया, तो ये इसकी कॉपी बन जाएगी। और उसके बाद इसको मैंने कलर दे दिया, नीचे वाले को मैंने कलर दे दिया ये वाला। अब देखें इसके अंदर ये लाइन भी बन गई, इस तरह से 2-3 बना सकते हैं आप। तो ये तरीकाकार है, ये जुगाड़ भी कर सकते हैं आप इसके अंदर, आप मकसद तो डिज़ाइन बनाना है आपका। तो कई प्रोफेशनल चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं आती नए यूज़र्स को, तो ये देखें एक डिज़ाइन बन गया। इसके ऊपर अपना हमने लिखाई करनी है, तो यहाँ पर मैं आऊँगा, अच्छा कोई भी पिक्चर आप यहाँ से पकड़ के ऐसे ड्रैग करके कोरल के अंदर ऐसे ला सकते हैं, ड्रैग करके आप लेके आ सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पिक्चर्स मैंने रखी हुई हैं, ड्रैग करके मैं लेकर आया था, मैं जूम इन करके देखता हूँ, ये देखें ये दो चीज़ें, ये दो मैं ड्रैग करके पिक्चर ले कर आया था, ये चाहिए हमें। इन पेज के अंदर मैंने लिख के रखा हुआ है, पहले मैंने आपको बताया हुआ है, इन पेज के अंदर से लिख कर इस बटन को आपने दबाना है और इसको कॉपी करना है यहाँ से, और ये यहाँ पर पेस्ट करना है,
बड़े साइज में आएंगी, आपने यहाँ से 5 बाई 5 एक जैसी वैल्यू, 2 बाई 2 भी कर सकते हैं, इनको यहाँ से छोटा कर लेना है। ये सारे टूल्स मैंने पिछले टूल्स में आपको बताए हुए, इनका यूज़ कि कैसे आपने लेके आना है। अब ये लिखा हुआ आ गया, ये ग्रुप है, इसको अनग्रुप करना भी आपको बताया था, यहाँ से आपने कंट्रोल यू से अनग्रुप करना है और इसको थोड़ा सा पास पास कर लेना है और ये सेलेक्ट करके इसको कंट्रोल क्यू की मदद से कंट्रोल क्यू दबाना है तो ये आ जाएगा। इसको यहाँ से वेल्ड करना है, ये भी आपको बता चुका हूँ पहले, इसको थोड़ा सा साइज़ को बड़ा कर लेना है और ये यहाँ रख देना है। ये रॉयल मोटर्स, ये देखें यहाँ पर आ गया। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपने एक बॉक्स लगा लेना है यहाँ पर, इससे थोड़ा छोटा, ये 3.5 बाई 2 है कार्ड का साइज़, आपने 3.1 और 1.8 का एक बॉक्स लगा लेना है, बना लेना है और इसको सेलेक्ट करके फिर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करके ई और सी से इस तरह रख लेना है। ये वाला आपने, सॉरी 3.4 कर दिया है, ये 3.4 मैंने करना था, 3.4 और ये 1.9 ये। इसका वजह यह है कि जब आप प्रिंटिंग के लिए कार्ड प्रेस को भेजते हो तो वो ये वाला जो एरिया ऊपर नज़र आ रहा है आपको, ये कटिंग एरिया है, या आपने इस बॉक्स के अंदर अंदर लिखना है, या आपने अंदाजे से इतनी जगह छोड़ देनी है, कम से कम जितनी जगह मैं ये साइडों में छोड़ रहा हूँ इतनी जगह आपने छोड़ देनी है, क्योंकि वो मशीन जब कटिंग करती है तो कटिंग के अंदर भी आपका वो एरिया आ सकता है, तो इतना एरिया आपने साइडों से ये जो है मैंने लगाया हुआ ये आपने एरिया छोड़ देना है, इतनी जगह आपने छोड़ देनी है साइडों से, थोड़ी थोड़ी जगह आपने छोड़नी है। और उसके बाद इसको मैंने आपको कलर लगाना भी बताया हुआ है, कलर कैसे आपने लगाना है, इसको मैंने वाइट कलर लगाया और यहाँ से मैंने इसको आउटलाइन पेन की मदद से, यहाँ से मैंने इसे 2 पॉइंट की आउटलाइन लगा दी है, बल्कि इसको मैं रेड कलर के अंदर लिखूंगा और इसको वाइट कलर की आउटलाइन लगाऊंगा, ये मैंने आउटलाइन भी इसको लगा दी है। अब उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि पावर क्लिप का आपने यूज़ कैसे करना है और ये कैसे पावर क्लिप, ये देखें, ये मैंने एक यहाँ पर इसको ऐसे रखा इनसाइड फ्रेम, मैंने आपको बताया था आपने कैसे लेके जाना है किसी चीज़ को, इसको मैंने ये कलर दिया, शिफ्ट पेज डाउन से इसको यहाँ लेकर गया, अफेक्ट के अंदर पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, यहाँ क्लिक किया ये इसके अंदर आ गया। यहाँ पर मैं रखूँगा ये एड्रेस इसका, इसको भी मैं देखें, इसको आप जूम कर लें, किसी भी चीज़ को आप जूम कर लेंगे इजी रहेंगे, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ये मैंने थोड़ा सा पास किया इसको और उसके बाद मैंने ये देखें मेन रोड फैसलाबाद, ये मैं शॉर्ट पिछले वीडियोज़ अगर आपने प्रॉपर देखे हैं, फिर कंट्रोल क्यू और यहाँ से वेल्ड, अगर आपने पिछली वीडियो ध्यान से देखे थे तो ये आपके सारे टूल्स जो हैं वो याद होने चाहिए। ये मैंने यहाँ रखा और इसको मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया और इसको मैंने वाइट कलर और फिर मैंने यहाँ से आउटलाइन पेन F12 इसकी की है शॉर्टकट की 1.75 इसको मैंने ब्लैक कलर का ये वाले सारे टिक करके यहाँ से ये लगा दिया। उसके बाद मैंने ये प्रोप्राइटर हैं इसको जूम किया देखें और जूम करके मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इनको थोड़ा सा पास पास करूंगा, देखें और इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल क्यू और यहाँ से वेल्ड। उसके बाद ये गाड़ियों की खरीदो फरोख्त का बाएतमाद इदारा, इसको भी मैं इस तरह से थोड़ा सा, जिसके अंदर जो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो अगर दोनों हरूफ के अंदर, उर्दू के अंदर खासकर, उर्दू के अंदर ही प्रॉब्लम होती है तो आप उनको थोड़ा क्लोज़ कर सकते हैं, फिर वो अच्छा लगता है दिखने में, वो बुरा नहीं लगता, और अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं टाइप कर रहे हैं तो वो प्रॉपर होता है, उसको आप बेशक उसका जो गैप है आप कम ना करें, वो प्रॉपर होता है। कंट्रोल क्यू और उसके बाद यहाँ से वेल्ड। इसी तरह ये राबता नंबर लिखना था, राबगा नंबर लिखा गया, इसको अभी यहाँ से हम राबता नंबर को छोड़ देते हैं, हम दोबारा से यहाँ टाइप करेंगे राबता नंबर,
रबता नंबर, इसकी मैं फोन करूंगा चेंज, इसको मैंने नूरी नस्तालीक में लिखना है ये, और यहाँ से क्लिक करके इसको कॉपी करके और यहाँ पर इसको पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर 3 और फिर 3x3 का मैंने इसको छोटा कर लिया, ये हो गया। और इसको भी मैंने यहाँ से अनग्रुप किया और इसको थोड़ा सा पास किया और यहाँ से पास किया और ये भी इसके पास करके इसको कंट्रोल क्यू और यहाँ से वेल्ड, ये हमारे तथा हमारा स्टफ़ तैयार हो गया। अब मैं यहाँ रखूँगा ये नाम, और ये मैं रखूँगा यहाँ पर, इसको करूँगा छोटा और मैं ये रखूँगा यहाँ पर। और अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको मज़ीद खूबसूरत बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ से एक पट्टी बनाऊँगा जिसको मैं थोड़ा सा राउंड करूँगा और इसको मैं करूँगा इस कलर के अंदर और मैं ये रख दूँगा यहाँ पर। इसको मैं साइज़ इसका प्रॉपर कर दूँ। काम करते हुए आप अगर अपने एरिया को ज़ूम करेंगे तो आप बहुत ही अच्छा, इतने एरिया में आप काम कर रहे हैं, आप सिर्फ इसी एरिया को ज़ूम कर लें, ये देखें मैं जैसे मैं करने वाला हूँ, इतने एरिया को आप ज़ूम करेंगे तो आपको ईजी होगा काम करने के अंदर भी और दिखने के अंदर भी, वो आप आसानी से उसके साथ काम कर सकते हैं। ये एरिया मैं छोड़ दूँगा साइड में कटिंग एरिया के तौर पर, क्योंकि ये कटिंग एरिया के अंदर आ जाएगा। और यहाँ से मैं इसको उठाऊँगा और यहाँ पर इसको छोड़ दूँगा, ये शिफ्ट पेज अप, ये नीचे चला गया है, ये फॉरग्राउंड चला गया, ये बैकग्राउंड में चला गया, ये फॉरग्राउंड लेके आने के लिए शिफ्ट पेज अप, ये ऊपर आ गया। और इसको मैं करूँगा वाइट कलर और F12 दबाकर या यहाँ से आउटलाइन पेन से मैं इसको दूंगा आउटलाइन, एक पॉइंट ब्लैक की, और ये 2-4 ऑप्शन मैं आपको बता चुका हूँ। ये इसको मैं थोड़ा सा यहाँ कर दूंगा और यहाँ मैं रखूँगा राबता नंबर्स। अच्छा, राबता नंबर्स भी आप रख सकते हैं, और आप यहाँ पर मैंने 2 पिक्चर्स रखी हुई हैं, ये PNG डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल से, PNG कॉल की या PNG व्हाट्सएप की आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक नंबर यहाँ पर, ये शिफ्ट पेज अप, अगर यहाँ पर रखने के ऊपर नज़र आपको नहीं आती कोई चीज़ तो इसका मतलब पीछे चली गई है, ये सेलेक्ट है, ये शिफ्ट पेज अप। आप ये देखें, ये व्हाट्सएप और कॉल के, इसको मैं इसने एरिया को ज़ूम कर लूँगा तो ये आपको, ये व्हाट्सएप और ये कॉल का ये नंबर 2 हो गए। और यहाँ से टेक्स्ट टूल्स, ये मैंने टेक्स्ट टूल 0300 1 2 3 4 5 6 7 ये इसको मैंने बोल्ड किया और इसको मैंने वाइट कलर के अंदर, सॉरी वाइट नहीं, येलो कलर के अंदर किया। साइज़ इसका मैंने किया थोड़ा सा छोटा। ये आपका नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर, और इसको मैंने लेफ़्ट क्लिक से उठाकर यहाँ पर राइट क्लिक से छोड़ दिया तो ये हो गया। इसको मैंने आउटलाइन देनी है आउटलाइन पेन से, ब्लैक कलर में मैं आउटलाइन देता हूँ इसको 7.75 की। ये आउटलाइन आपको अभी पता चल गया होगा, इसी को मैं कॉपी करके ऊपर ले जाऊँगा यहाँ से ऐसे एक सीध में कंट्रोल दबाकर। देखिए, इसको मैंने उठाया, कंट्रोल दबाकर ऊपर उठाया और लेफ़्ट क्लिक से उठाकर राइट क्लिक को दबाते ही लेफ़्ट को छोड़ दिया तो ये कॉपी हो गया सीधा, एक से एक सीधे सीध में है ये सारा। और उसके बाद डबल क्लिक करूँगा तो इसको आप दोबारा, इसको आप जो है एडिट कर सकते हैं 7654321 इस तरह से। ये नंबर्स भी हो गए और इनको आप प्रॉपर यहाँ पर, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये आपका कॉल नंबर है यहाँ पर, और नीचे आपका एड्रेस आ गया है, ये बिजनेस कार्ड। अब ये जगह जो एरिया हमने बनाया था, ये किस लिए बनाया था, यहाँ पिक्चर्स रखनी थी मैंने, इसलिए मैंने ये एरिया बनाया था। यहाँ से आप PNG देखें, ये 3-4 PNGs हैं मेरे पास, जो अच्छी लगेगी वहाँ पर रख देंगे। ये देखें, ये बड़ी हैं, इसको आप 5 यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और ये परसेंटेज में उसको 5 कर दें। ना समझ आए तो यहाँ से ज़ूम आउट कर लें, ऐसे ऐसे ज़ूम आउट करके और इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे छोटा कर लें। वैसे 3 वीडियोस के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक आपको समझ आ जानी चाहिए इन सारे टूल्स की। और यहाँ पर इस एरिया को मैं करूँगा बड़ा और ये मैं गाड़ी रखूँगा यहाँ पर,
यहाँ पर आप इसका लोगो, उनका कंपनी का लोगो भी रख सकते हैं। मैं अभी लोगो तो नहीं बना सकता यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा फ़ॉन्ट चेंज करके यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आपने इसका लोगो रख दिया यहाँ पर, रॉयल मोटर्स का। और उसके बाद आपने ये तस्वीरें जो हैं इनको आपने करना है सेलेक्ट। ये याद रखना है, ये जो तस्वीरें यहाँ पड़ी हुई हैं इनको आपने करना है सेलेक्ट, और शिफ्ट पेज डाउन से आपने कर देना है इनको बैक में ऐसे। और फिर आपने इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम, और यहाँ आपने दबाना है तो ये इसके अंदर आ जाएंगे। उसके बाद आपने कोई भी पिक्चर आपने रखनी है उसको आपने पावर क्लिप करना है। ये भी पिक्चर्स हैं, ये दोनों भी पिक्चर्स हैं, ये भी पिक्चर हैं। ये मैंने शिफ्ट पेज डाउन, इफेक्ट पावर क्लिप प्लेस इनसाइड फ्रेम और पावर क्लिप, ये पावर क्लिप से अंदर कर दी। और जब आपने इसको मेल करना है प्रिंटिंग के लिए, हम अपने मेल करना है, ये काफ़ी बड़ा बन गया देखें ये वाला। खैर एड्रेस लंबा भी होता है लोगों का, इसलिए मैंने। और ये आपने जब मेल करना है आपने, तो इस बात का आपने याद रखना है कि आपने सबको कर्व करना है। कर्व करने का कैसे पता चलेगा आपको, जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें आपको ये वाला निशान नज़र आएगा। इसका मतलब है ये कर्व है, और ये कर्व नहीं है। इसको आपने कंट्रोल क्यू दबाया तो ये कर्व हो गया, ये देखें निशान आ गया। ये नंबर कर्व नहीं है, ये कंट्रोल क्यू दबाएंगे ये कर्व हो जाएगा। ये सारे आपने कर्व करने हैं इस तरह से, ये कर्व करके आपने भेजने हैं। और डबल आउटलाइन का मैं आपको बता चुका हूँ, ये इसको आप थोड़ा सा इधर रख कापी करें इसको, और इसको आप डबल आउटलाइन लगाना चाहते हैं इसको आप ब्लैक कर देंगे, ये ब्लैक। और इसकी आउटलाइन भी हमने ब्लैक करनी है, आउटलाइन पेन से थोड़ी ज़्यादा करनी है, दो है इसकी, हमने चार कर देनी है। ओके किया, और इसको मैं पकड़ा, इसको भी और इसको भी शिफ्ट दबाकर सेलेक्ट किया, ई और सी, और ये देखें डबल आउटलाइन हो गया। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठाऊंगा तो शेडो सा बन जाएगा, और इसको मुकम्मल को मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा ताकि कटिंग एरिया से ये दूर हो जाए। अब देखें मैंने जितनी भी जगह काम किया हुआ है, मैंने ये थोड़ा सा साइडों पे जगह छोड़ी हुई है हर साइड में, ताकि कटिंग, ये आपका कार्ड रेडी हो गया है। इसके ऊपर आपने इसको आपने करना है सेलेक्ट, सेलेक्ट करके आपने इसको करना है यहाँ से ग्रुप, और ग्रुप करने के बाद ये आपका कार्ड जो है वो डिज़ाइन हो चुका है, ये कंप्लीट। आप इसे प्रिंट करवा सकते हैं अपने फेसबुक के लिए, अगर आपने इसे सेव करना है तो यहाँ से फाइल सेव एज, सॉरी फाइल एक्सपोर्ट, यहाँ से आप रखते हैं कार्ड सेलेक्टेड ओनली एक्सपोर्ट, और फेसबुक ट्विटर या किसी चीज़ के लिए, मोबाइल के लिए यहाँ से आपने आर जी बी, और उसके बाद यहाँ से हाईएस्ट क्वालिटी और ओके करना है आपने, तो यहाँ पर आपकी JPG रेडी होकर आपके सामने आ जाएगी। आपका कार्ड जो है तैयार हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ 24 कार्ड्स के टेम्पलेट्स, राउंड कॉर्नर के कार्ड्स, बहुत ही बेहतरीन कार्ड है जिनको आपने सिर्फ नाम चेंज करना है आपने, बाकी पूरा डिज़ाइन बना हुआ होगा और आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।